नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैक इन क्रिकेट की एक और वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 के मैच नंबर 29 के बारे में कि आखिरकार ये मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और इसके साथ ही आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही दोस्तों इस मुकाबले की फाइनल फ्री में फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। दरअसल दोस्तों ये मुकाबला मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। आईपीएल का 29वां मुकाबला होने वाला। ये मुकाबला 14 अप्रैल को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार वानखेड़े स्टेडियम के स्टैट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स के बारे में। तो ग्राउंड पर टोटल 113 आईपीएल मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 51, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को 62 मुकाबलों में जीत मिले है। इसके अलावा स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए 150 से नीचे का स्कोर 27 बार बना, 150 से 169 के बीच 24, जबकि 170 से 189 के बीच 34, जबकि 190 प्लस का स्कोर यहां पर 26 बार बना है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये ग्राउंड जो रहता है बेहतरीन ग्राउंड है, काफी ज्यादा स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट के इस ग्राउंड पर जो 4 मैच खेले उन मैचों के बारे। एक मुकाबला 11 अप्रैल 2024 को मुंबई आरसीबी के बीच खेला गया, इसमें पेसर्स को 9 और स्पिनर्स को 2 विकेट मिले। एक मुकाबला 7 अप्रैल को खेला गया, जिसमें मुंबई और दिल्ली की टीमें आमने सामने भिड़ी, जिसमें पेसर्स को 10 और स्पिनर्स को 2 विकेट मिले। एक मुकाबला 1 अप्रैल 2024 को खेला गया, मुंबई और राजस्थान के बीच मैच था, इसमें भी पेसर्स को 10 और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले। एक मुकाबला 8 अप्रैल 2023 को खेला गया, जो केकेआर मुंबई के बीच खेला गया था, इसमें पेसर्स को 5 और इसके साथ ही स्पिनर्स को 6 विकेट मिले। तो पूरी तरीके से टोटली इस ग्राउंड की बात की जाए तो पेसर्स यहां पर काफी ज्यादा विकेट चटकाते हैं और एक बार फिर से यहां पर भाई साहब पेसर्स का ही बोलबाला रहेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां की पिच के बारे में। तो दोस्तों ये है भाई साहब यहां की खूबसूरत सी पिच। अब पिच देखने से आपको रेड सोयल की नजर आएगी, यानी कि लाल मिट्टी की पिच है, जिसका मतलब कि यहां पर दोस्तों बल्लेबाजों के साथ साथ तेज गति की गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, यानी कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के साथ साथ तेज गति की गेंदबाज यहां पर विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। सामने यानी कि स्टेट बाउंड्री आपको 74 मीटर की, लेग साइड पर आपको 63 मीटर की, ऑफ साइड पर आपको 62 मीटर की बाउंड्री मिल जाएगी। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात की जाए तो 65-65 मीटर की इस मुकाबले के लिए बाउंड्री होने वाले। तो इस तरीके से यहां पर होने वाली है बाउंड्री। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर भाई साहब हेड टू हेड मैचेस के बारे में। इन दोनों टीमों के बीच 36 मैच खेले गए, जिसमें मुंबई की टीम को 20 मुकाबलों में जीत मिले है और इसके साथ ही बात करें चेन्नई के बारे में तो इनको 16 मुकाबलों में जीत मिले। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर मुंबई टीम का पड़ा भारी है, यहां पर चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस मुकाबले में आपकी क्या प्रेडिक्शन है, धोनी की टीम चेन्नई जीतेगी, हार्दिक की टीम मुंबई जीतेगी, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, मोहम्मद नबी, जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड क्विडजे और आकाश मडवाल यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से होने वाली है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेन्नई टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिंद्र बिंदा पारी का आगाज करेंगे। तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे, चौथे स्थान पर शिवम दुबे, पांचवें स्थान पर डैरिल मिचेल, छठवें स्थान पर शमी रिजवी, सातवें स्थान पर रविंद्र जडेजा, आठवें स्थान पर एमएस धोनी, नवें स्थान पर शार्दुल ठाकुर, दसवें स्थान पर तुषार देशपांडे और ग्यारहवें स्थान पर तीक्ष्णा खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से होने वाली दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सक्सेस के बारे में। तो विकेट कीपर से ईशान किशन है, इसके साथ ही बल्लेबाजी की बात की जाए सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और इसके साथ ही ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या होने वाले। गेंदबाजी की बात की जाए जसप्रीत बुमराह, इसके साथ ही मुस्तफिजुर रहमान, जेराल्ड क्विडजे, आकाश मडवाल और शार्दुल ठाकुर का चयन किया। फिलहाल इस मुकाबले के लिए मेरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, वाइस कप्तान एज हार्दिक पांड्या या फिर रविंद्र जडेजा को कर सकते हो। फिलहाल अभी इस मुकाबले के लिए अभी मेरे यही 11 खिलाड़ी होने वाली, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़ जाइएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।